गाइस अभी 9 आर्क ब्रिज पे बैठा हूँ, यहाँ से कितनी ज़्यादा हाइट देख रहे हो। दिस इज द 9 आर्क ब्रिज। तो देखते हैं क्या खाना है, वो पता लग जाएगा। जो भी वहाँ पे मेरे को सही लगा वो मैं ले लूँगा। हवा तेज़ है, अब मैं वापस जा रहा हूँ और कुछ खाना पीना खाते हैं भाई। भाई यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, अगर आप एल्ला में आओगे तो इनमें से आप पानी पी सकते हो। ये बता रहे हैं फ्रेश वाटर होता है ये, बट आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन ड्रिंक, बट इट इज़ फ्रेश वाटर बिकॉज इट इज़ इन माउंटेन्स। तो आप देखोगे 9 आर्क ब्रिज, आ जाओ। बट ऐसा नहीं, बर्थ है यार वो। तो ये शॉर्टकट एरिया से हम आते हैं तो ऐसे ही होता है, बट नेवरदलेस थकोगे आप जब आप ऊपर चढ़ोगे कहीं भी पहाड़ों पे। बस आ गया, ज़्यादा ऊपर नहीं है। पता, ये सस्ता मिल गया मेरे को इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा दूर भी है, और ये वाला हॉस्टल मैं नहीं बोलूँगा कि आप बुक करना, क्योंकि ये हॉस्टल्स में हम चाहते हैं कि हम लोगों से मिले, है ना। बट ऐसा तो नहीं हुआ इस वाले हॉस्टल में, पिछले हॉस्टल में कोलंबो वाले में हुआ था, बट हो रखे हैं 9 आर्क के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 9 आर्क, बट हाँ फोटो अच्छी आ गई, उसके अलावा कुछ नहीं वहाँ पर। मेरे होस्ट अगर वो वाला है, दोबारा से आ गया मैं अपने होस्ट के यहाँ। कुछ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ नीचे, फिर नहाऊँगा फ्रेश होके फिर सोऊँगा, बट अभी अंधेरा हुआ नहीं है। खाना खाने जा रहा था, मेरे होस्ट ने बोला ये पन्नी वन्नी दे के और इसमें 100 रुपये दे के खा, ये मेरे लिए ले आना। तो ये भी लेके आना है मेरे को, बाकी मिलता हूँ आपको बाद में। How far is the Galle fort? Galle fort. How far? There. Okay, nice. And the cricket stadium? There. Okay, nice. I want to see the cricket stadium. You know, Indian and Sri Lankan love cricket. So that's why. Okay. देखते हैं क्या है।
तो गाइस माउंटेन लोकेशन सारे हो गए, बीच का श्रीलंका में देख लिया, आते मतलब मेन श्रीलंका जो बीच में कैंडी अनवर एलिया एला वो देख लिया। अब बीच स्टार्ट करते हैं, बीच वाली जर्नी दिखाना शुरू करता हूँ मैं। अभी अपने हॉस्टल पहुँचा, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और धूप है बाहर बहुत और गर्मी ज़्यादा लग रही है। बाहर इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं रो दूँ, बट बाहर रोना मतलब सही में यार गर्मी बहुत है, बट आप मैनेज कर लोगे। देखो आज तो हम ये करेंगे कि गैला फोर्ट देखेंगे, गॉल फोर्ट का या गैला गैला, वो गैला गैला कह रहे थे जो लोकल हैं, गैला गली कहते हैं गली। तो गॉल फोर्ट देखेंगे हम, गॉल क्रिकेट स्टेडियम देखेंगे, बीच दिखाऊंगा और कल की कल देखेंगे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो एक्सप्लोर द बीच एरिया फ्रॉम टुडे। In Hindi in my language first, okay? Yeah. So guys, मैं अभी यहाँ पे आया था गॉल and this is my first time here and first day. अभी सामने से अपने होम स्टे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो कॉटेज है सॉरी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ से सीधा यहाँ पे आया, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। और एक देख रहे हो अब गॉल क्रिकेट क्लब है ना, यहाँ पे एक स्टेडियम है, मतलब बहुत ही फेमस स्टेडियम है। और रिसेंटली यहाँ पे एक मैच भी हुआ था, देर वॉज अ मैच रिसेंटली राइट इन फेब्रुअरी, विच टीम वर दे? Okay, Sri Lankan and England. So, how long you work here in this cafe? Just now, in maybe one week. Okay, little bit loud, okay. Okay. The phone is there. Yeah. So, like you like the work here? Yeah, of course. Yeah. I like it. Yeah. And in future, you are expecting to meet some players? Yeah, of course. Yeah, definitely. Yeah, obviously. And so far, have you met any Sri Lankan players? Just now, no. No. Okay. And what all players stay nearby this area, like famous Sri Lankan sports person, do they live here? Yes, the Lasith Malinga is very near to here. Okay. How far in kilometers? Like 24 or okay, like that. Okay, I see. And any player come here for like practice or something? Yes, like, or yes. Giving coaching? Not coaching, they are practicing some days. Okay, so they come here? Yes, they come. Okay, and okay, the player's name, you know, like recently some famous player in youngster squad in Sri Lanka. Vanidu. Yes, Vanidu. Okay. He will be there some days. Okay, nice. And what next tournament is coming for Sri Lanka? About that, I ओके सो गाइज ये यहाँ पे कैफे में काम करते हैं और काफ़ी कूल लगे मेरे को। इन्होंने मेरे से आके पूछा, सर डू यू लाइक टू हैव समथिंग? सो अगर मेरे को कुछ लेना होगा तो मैं अभी जाके लूँगा, बट नेवरदलेस आप यहाँ पे देखो, ये स्कोर बोर्ड भी है, दिस साइड देर इज़ द स्कोर बोर्ड एंड दिस इज़ द क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेड इन 1876, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ द ग्राउंड बिहाइंड मी एंड देट इज़ द फोर्ट, गॉल फोर्ट राइट, एंड यू से गली टू गॉल राइट? या दे से गली, ये यहाँ पे गली कहते हैं, गॉल नहीं कहते, बट नेवरदलेस हम सबको आदत है लाइक टूरिस्ट पीपल से इट गॉल, बट इट इज़ नॉट गॉल, बट एनी वेज दिस इज़ द ग्राउंड। और यहाँ पे कई सारे मैचेस हुए हैं, कई बार इंडिया टीम आई हुई है यहाँ पे और कई बार श्रीलंका टीम के साथ खेला है मैच, कई बार इंडिया जीती है और कई बार श्रीलंका भी जीती है, तो हार जीत तो लगी रहती है। और अभी हम थोड़ी देर बाद उस कोर्ट पे भी जाएंगे, बट ये इन अंकल ने मेरे को यहाँ पे आने की परमिशन दी और स्तुति फॉर लेटिंग मी गो हेयर, टेल हिम स्तुति। ये भी खुश हैं और ये यहाँ पे कैफे में, अभी इनके साथ कुछ अंदर कैफे जाके लेते हैं और कुछ खाते भी हैं, ठीक है? तो चलो कुछ खाते हैं। सो प्लेयर्स ऑल्सो प्ले पिंग पोंग हेयर राइट? Okay, they are playing billiard. Billiard?
Ping pong. Yeah, that is other game. Yes, they are playing. So I am getting subscribers from Sri Lanka as well, and he knows very well Hindi, you know. Thank you, bro. Thank you. So guys, अभी हम जाएंगे फोर्ट पे और थैंक्स आपको. इन्होंने मेरे से पूछा कुछ खाने पीने के लिए. मेरी मम्मी देख के खुश होंगी कि मेरे को श्रीलंकन लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं कि वो पूछ भी रहे हैं कि आप कुछ खा पी लो, है ना. तो अभी तो मैं कुछ खा के आया था अपने हॉस्टल जहाँ पे कॉटेज में रह रहा हूँ. तो अब चलते हैं फोर्ट देखते हैं. स्तुति. Yes, Suti, for everything. And he have subscribed my channel. So आप ये videos देखना और ये वाला video भी देखना. Yeah, sure. Okay. Yeah. Bye. See ya. See ya. Congratulations, you people, you made it to the end of this video. If you still watching, congratulations. And three things. Number one, social media, if you want it, I got it, link in the description. Second, if you like my content, you can subscribe and you can support me. Third, and the most important, travel the world, meet new people, eat with the locals, learn new language, and believe in God, whatever God you believe, be it any God, believe in God. And this was it for this video. Peace, yo.